just don't know. मेरा नाम है कार्तिक विशाल और आप देख रहे हो कार्तिक कस्टम। तो भाई आज है थर्ड डे और आज है 8th of the April 2022। तो आज के दिन है हमारा लास्ट शूट। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 5 बजे का कॉल टाइम था, 5 बजे तैयार होके रहना था आपको, 5:30 बजे हम निकल जाएंगे और लगभग 4:30 बजे उठ गए थे। तो कुछ ऐसा सीन है हमारा। कल आप इसके पहले ब्लॉग में आपने देखा होगा, हम लोग भाई कल स्विमिंग पूल में भी मस्ती किया था, जैसे सोते सोते 11:30 हो गया था और सिर्फ 5 घंटे की आज भी नींद हुई है। और आज लास्ट डे है तो अपना बेस्ट देना है और सुबह से भाई लगे रहेंगे शाम के 6 बजे तक। तो काफी मजा आएगा भाई, काफी मतलब ये एक्सपीरियंस जो मेरे साथ रहा है ना, बहुत ही अल्टीमेट रहा है और सारी चीज। और बस अब कान सुनने को तरस जाएंगे, कट एंड पैक अप। तो भाई फिर चलेंगे अपने अपने घर। कल हमारी यहाँ से फ्लाइट रहेगी मॉर्निंग में, 11 बजे फ्लाइट रहेगी मैंगलोर से हैदराबाद, हैदराबाद से जबलपुर, जिससे मैं रात में 8 बजे पहुँचूंगा। और यहाँ से मैंगलोर एयरपोर्ट भी काफ़ी दूर है, मतलब यहाँ से 2.5 से 3 घंटा लगेगा यहाँ से जाने में, तो और जल्दी जाना पड़ेगा, सुबह 7-8 बजे निकलना पड़ेगा। तो चलिए नीचे चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, अपनी नींद खोलते हैं और फिर बाइक उठाते हैं और चलते हैं। स्पेशली मिस कर रहा हूँ अपना चिन माउंट वगैरह, अगर मैं लाता तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मोटो ब्लॉग बना सकता था। एंड पर क्या करें, काम इतना है, थकावट इतनी है ना कि हिम्मत ही नहीं हो रही ब्लॉग करने। ऑलराइट गाइस, तो अब यहाँ से निकलते हैं, गोप्रो हमने जैसे तैसे मारी। ऑलराइट गाइस, तो अब निकल चुके हैं भाई, देखते हैं कैसा क्या सीन है, देखो जल्दी से इसके आगे निकलना है। ऑलराइट गाइस, तो आज का शूट है यहाँ पे ब्रिज के पास, नीचे पानी है तो थोड़ा वाटर क्रॉसिंग, और वहाँ हमारे ऋषि भाई व्हीली मारेंगे और वहाँ दूर पे है हमारे देव भाई, देव भाई नॉर्मल ट्रेल करेंगे, फिर वहाँ से अपना ये FPV जाएगा ब्लैक मैजिक, और यहाँ होगी भाई व्हीली, बहुत ही सुंदर। अभी टाइम बज रहा है 7 बज गए हैं, सनराइज हो चुका है अल्टीमेट। ऑलराइट, तो अब शॉट हो रहा है, वहाँ से देव भैया आएंगे, यहाँ से FPV चल रहा है जैसा बताया, वहाँ से आएंगे ऋषि भैया। तो अब हो रहा है FPV ब्लैक मैजिक, ये जा रहा है वो देव भैया के पास, फिर तो वहाँ से रनिंग शॉट आएगा। ये पुलकित भाई बैठ, और ये हुआ एक्शन स्टार्ट सीक्वेंस। ये वहाँ से बाइक आई, अब ऋषि भैया वहाँ से आए, ये ब्लैक मैजिक और ये पॉप दी व्हीली, इजी इजी, वो मस्त मस्त मस्त। भाई तो सीन ऐसा है, बहुत थक गए हैं, अब कोकोनट वाटर पीते हैं, और ये हमारे मैन मेड भाई कुछ क्लिप्स निकालते हुए, हाय हाय हाय, लाई लाई लाई, थैंक यू। शूटिंग चल रही है एवरीवेयर, शूटिंग पसीना तो देख रहा हो भाई, यहाँ एक तो टाइम ही नहीं बीत रहा भाई, सुबह 4 बजे उठ जाओ, 6 बजे से शूट पे लग जाओ, अभी सिर्फ 1 ही बज रहा है और ऐसा लग रहा है मुझे कि 4-5 बज गया भाई, कब शूट ख़त्म होगा, आज तो लास्ट डे है, लेट्स सी। Afraid to love, no one can see me now.
बैठ जाए तो व्हील इंजॉय करो। गाइज वी आर हेडिंग टूवर्ड्स न्यू लोकेशन, तो भाई अब चलते हैं लोकेशन के मजे लेते हैं। अब भी क्यों मिलेगा कसाला में, और यह है वहाँ की सिटी। अभी सिटी चल रहे हैं और यहाँ बहुत ब्यूटीफुल मंदिर भी हैं। ये देख रहे हो पीछे चौराहा, इतना कूल। और यहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है अन्नपूर्णा मंदिर। बेंगलोर से हम लोग लगभग 120 किलोमीटर दूर आए हैं कलासा हिल्स। ये एक हिल स्टेशन है जहाँ हमने पूरा शूट किया है ये वीडियो। और यहाँ की स्पेशलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे कॉफ़ी आपको देखने को मिलेगी, टी एंड कॉफ़ी। और मतलब जितने भी मसाले हैं ना वो कर्नाटक में पाए जाते हैं, तो मैं अपने घर के लिए कॉफ़ी तो ज़रूर लेके जाऊँगा भाई। हाँ राइट है। जहाँ तक गया था वहाँ तक राइट है। और राइट, तो आपने देखा भाई मज़ेदार ट्रेल है, मज़ेदार। अपन तो गए एकदम तूफान टाइप आए। चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे स्पॉट ले सकते नहीं, और देख रहे हो बारिश की आवाज़, बादलों की आवाज़ आ रही है। और जल्दी जल्दी करना है, आज लास्ट डे है। और बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है गुरु। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। बहुत मेहनत कर रहे हैं वो, तो आज हमने माउंट लगाया है बाइक पे क्योंकि बाइक का क्लोजअप शॉट नहीं है, तो लेट्स सी क्या होता है आगे। होए 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 होए, मज़ा ही आ गया गुरु। ऑलराइट गाइस, तो भाई लास्ट शूट यहाँ चल रहा था और अभी अच्छे से शूट कर लिया है, डर्ट सारी चीज़ें। और भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है, हमारे इंस्टाग्राम कंटेंट भी बन रहा है, पूरे डिजिटल कंटेंट ही हैं सारे, तो आपको रील्स भी काफ़ी देखने को मिलेगी। और वो कब मिलेगी पता नहीं, बहुत जल्द मिलेगी जब ये सारी चीज़ें रिवील होगी, उसके बाद ही ये व्लॉग आ रहा होगा। और बहुत खूबसूरत सी हम एक लोकेशन पर हैं यहाँ ट्रेल की, और काफ़ी अच्छी ऑफ रोडिंग हो रही है और काफ़ी अच्छे शॉट्स आ रहे हैं। अभी बारिश भी हो रही थी तो बारिश के ड्रॉप्स भी हमको देखने को मिल रहे थे, और काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। व्हाट अ लोकेशन, व्हाट अ बाइक, काफ़ी मज़ा आया इसको भाई चलाते हुए। और हमारे कुछ कैमरामैन हैं वहाँ पे जो अभी शूट कर रहे हैं, वहाँ से देव भैया आएंगे। देव भैया वन ऑफ़ द बेस्ट यार, वन ऑफ़ द बेस्ट। एंड ऋषि भैया वन ऑफ़ द बेस्ट। ऋषि भैया के साथ मैं कर रहा हूँ शूटिंग, जिन्हें उन्हें धूम 3 में भी उनका डेबिट है, वॉर में भी उनका डेबिट है, और कई मूवीज़ में उन्हें स्टंट्स किए हैं। और देव भैया भी अच्छे कमर्शियल्स उनका काफ़ी अच्छे भाई, मतलब उनका इंस्टाग्राम हैंडल देख लोगे तो प्रोफेशनल जो होता है वो दिख जाएगा भाई, अलग ही कंटेंट। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कब पैकअप होता है और कब हमारा शूट एंड होता है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, वीडियो को लाइक कर दो, और देखते रहो, रुके रहो, देखते रहो, अभी आगे और मज़ा। कल फिर हमारी यहाँ से फ़्लाइट रहेगी, मॉर्निंग की है 11:50 पे लगभग। कल मतलब अगर बताऊँ तो 9 अप्रैल को, आज 8 अप्रैल है, आज 3rd डे है, लास्ट शूट डे। और कल 11:50 पे, और यहाँ हम लोग जहाँ पे हैं, हम लोग हैं कलासा हिल्स में,
तो यहाँ से अब कलासा हिल्स जिस जगह हूँ वो था जहाँ रुका था, अभी ये सब तो हम लोग 50-60 किलोमीटर घूम घाम के लोकेशन सेट कर रहे हैं। तो यहाँ से मतलब हमारे रिजॉर्ट से लगभग 3 घंटे का समय लेके हमको जाना पड़ेगा एयरपोर्ट। बाकी क्या, बाकी सब धांसू है। Your voice stuck in my brain, we never got to see it through. And I know I feel more pain if we're speaking truth. Cause when the... अभी हल्की सी बारिश हो गई थी तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, देख रहा हूँ पूरे पाम ट्रीज बहुत ही सुंदर। Whoa, only neutral. Look at the view, man. Look at the view. Oh, pack up, pack up, pack up. भाई ये 3 दिन कैसे गए पता ही नहीं चला। तो आपको कैसा लगा भाई पूरा हमारा POV राइड ये स्क्रैम 411 के साथ? और अभी हम बहुत खूबसूरत सी लोकेशन पे है, वो है कर्नाटक में, हम हैं कलासा हिल्स और बहुत ही अच्छा पीछे व्यू है भाई, मतलब क्या बोला जाए, इतना खूबसूरत लग रहा है ना। और क्या राइड किए भाई, क्या राइड किए, मज़ा ही आ गया। हेलमेट में हम लगा नहीं सकते थे, नहीं तो हेलमेट से और अच्छा आपको मोटो व्लॉगिंग होती, बट नहीं कर सकते थे वो, तो बाइक में मैंने जैसे तैसे लगाया है। स्टिकॉन है उसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं ताकि कुछ उसमें ग्लू लू ना लग जाए इनकी बाइक में। तो बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। फाइनली ये सफ़र हमारा ख़त्म हुआ आज के दिन, कल हमको फ्लाइट पकड़नी है। कितना सुंदर व्यू है भाई, इतना सुंदर व्यू और इतनी सुंदर बाइक और इतना सुंदर मैं। और गाइस तो हम लोग जैसे आप लोग पूछ रहे थे कहाँ स्टे किए हैं, तो उपासना रिजॉर्ट है यहाँ पे जहाँ हम लोग रुके हुए हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप जब भी यहाँ आए मैंगलोर फिर ये कलासा हिल्स के पास, तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो ये हमारा डिनर प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत डाइनिंग टेबल आप देख सकते हो, लाइट्स वगैरह, और बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है। अभी तो रात का टाइम है, आपको मॉर्निंग का टाइम जब दिखाऊँ, मॉर्निंग के टाइम जब मैं आपको दिखाऊँगा तो भाई अलग ही व्यू है, क्योंकि मॉर्निंग में अभी हम लोग खुद ही नहीं देख पाए, रोज़ सुबह 4-5 बजे निकल जाते हैं और रात को ही आते हैं। बहुत ही किलर व्यू आता है और काफ़ी बिग है, यहाँ आपको सारे स्पोर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे, बैडमिंटन हो जाएगा, स्विमिंग पूल हो जाएगा और टेबल टेनिस के लिए, और इंडोर एक्टिविटी भी है, एंड खाना तो लाजवाब है ही, और यहाँ की रूम सर्विस से लेके होटल मैनेजमेंट पूरा सारी चीज़ अच्छे से है। तो मेक श्योर आप यहाँ आ सकते हैं। अभी तो यहाँ डिनर 9 बजे से लग जाएगा, बफे सिस्टम है, तो यहाँ खाते हैं भाई, खाना तो बहुत ही डिलीशियस है। आज देखो क्या है, चपाती, बीन करी, वेज बिरयानी, वेज पलाया, प्लेन राइस, सांभर, दाल, आलू कबाब, चॉकलेट लड्डू, ओहो सो डिलीशियस, कर्ड, सैंडिगे, बनाना, और नॉन वेज वालों के लिए चिकन, मालानन स्टाइल चिकन कबाब, दिस इज़ चिकन कबाब। एंड ये डाइनिंग प्लेस है और ये बहुत ब्यूटीफुल सा डाइनिंग प्लेस है, देख सकते हो।